सिंह जी, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिस खाकी वर्दी पर आंख बंद करके समाज भरोसा करता है, अगर वही खाकी वर्दी गुंडे के रूप में होटल में घुसकर गुंडागर्दी करे और एक व्यापारी के साथ इस तरह का बर्ताव करे कि उसकी जान चली जाती है, बाद में वहां पर सबूत मिटा दिए जाते हैं, इस तरह की हिमाकत की जाती है और फिर सीनियर अधिकारी बैठकर परिवार को समझाते हैं कि आप मान जाइए, सस्पेंड किया जाना क्या काफी है? विक्रम सिंह जी, चित्रा जी, मैं चार वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट की पीड़ा और क्षोभ को समझ रहा हूं और उनका साथ हूं और मैं उनके उनका सहयोग और समर्थन करता हूं। उनकी पीड़ा में मेरा उनका मैं सहानुभूति रखता हूं, मृतक परिवार से और उनकी श्रीमती जी जो मीनाक्षी गुप्ता जी हैं। लेकिन चित्रा जी, ये शर्म की इमारत एक दिन में नहीं बनी है, इसको बनाने में एक एक ईंट करके 10-100 साल से जब हमने इस तरीके के उदंड तत्वों का मन ऊंचा किया, उनका मनोबल बढ़ाया, जहां जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए थी हमने संदेश ये दिया कि तुम कुछ भी तांडव करके आओ, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। उसका प्रमाण यह है कि जब यह दुर्घटना हुई, वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने बयान बदल बदल करके, बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म्स तो जब आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एमएच खान साहब की बात को पूरी तरह से सहयोग करते कहूंगा, पहले हत्या का अपराध पंजीकृत हो और 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नंबर एक हत्या का मुकदमा, निलंबन, डिसमिसल का मतलब होता है सस्पेंशन, डिसमिसल, जेल का भेजा जाना और रासुका के अंतर्गत निरुद्ध करना, जिससे कि कला संदेश देश भर में जाए कि हम इस तरीके के किसी भी अपकृत्य में न सहयोग करते हैं और हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। चित्रा जी, एक कहावत है पुलिस में, जब औलाद नालायक होती है तो बाप बुढ़ापे में रिक्शा खींचता है। जिस तरीके से इन्होंने आज किरकिरी डीएम एसएसपी की, ये नालायक औलाद है, इसका साथ क्यों दिया जा रहा, कौन सा पुत्र मोह है धृतराष्ट्र का कि इनके पीछे हम लगे हैं इनको बचाने में। इनको पहले सांस में एमएस खान साहब ने सही कहा, न सिर्फ जेल भेजना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया हमने, अभी भी नहीं किया। शलम मणि जी को मेरा ये संस्तुति होगी, तत्काल कम से कम आज तो इतना हम कर ले, कुछ तो प्रायश्चित होगा, उनके खून के छींटे अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी मौत, ये तो देखिए चित्रा जी कहा गिर करके, मेरे पुलिस अधिकारी को इतना, मैं यहाँ नोएडा में बैठ कर सकता हूँ, गिर के ऐसे मौत नहीं होती है। ये सिपाही होटल में क्या करने गए थे, ये रिश्वत के चक्कर में, धन उगाही के चक्कर में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पूरी बॉडी में चोट के निशान हैं। पुलिस कितने भी पर्देदारी की कोशिश करे, पीएम रिपोर्ट को कैसे खारिज करेगी वो? चित्रा जी, आखिरी वाक्य ये, उसके लिए एसआईटी की जरूरत नहीं, एसआईटी द्वारा की जरूरत नहीं है। मैं चेहरा पढ़ के बता सकता हूं कि अनुशासनहीन है, उदंड है, शराबी है, अय्याश है, दुराचारी है, मैं चेहरा पढ़ गया। अगर आपको तस्दीक करना कीजिए, एसआईटी बना करके कह कितनी पंचवर्षीय योजना हम बनाएंगे, ये काम फैसला देश और उत्तर प्रदेश आज चाहता है, वरना कल तक जवाब चाहिए हमें। शैलमणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए, जो सवाल विक्रम सिंह जी के, किस बात का इंतजार किया जा रहा है सरकार की ओर से? नहीं, कोई इंतजार नहीं है, विक्रम सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं और ये भी ये जानते हैं कि बहुत से प्रकरणों में अगर आप सीधे बर्खास्त करते हैं तो पुलिस के यही लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से उनको किस तरह की राहत मिलती है। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने अब तक 1000 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, 500 से ज्यादा लोग बर्खास्त किए हैं। विक्रम सिंह साहब से पूछिए, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, ये बताएंगे इस बात को कि पहली ऐसी सरकार है जिसने चुन चुनकर ढूंढ ढूंढ कर जो दागी पुलिस वाले हैं उनको जेल भेजा, उनको बर्खास्त किया, और सिर्फ पुलिस में नहीं, तमाम विभागों में जो भ्रष्टाचारी लोग थे, तमाम विभागों में जो दागी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप यकीन रखिए कि इस मामले में भी कार्रवाई होगी, इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है बर्खास्तगी होगी, जेल भी जाएंगे और साथ ही साथ एक अपराधी की तरह, जिस तरह का अपराधी कोर्ट के अंदर ट्रायल को फेस करता है उसी तरह का अपराधी की तरह इनसे व्यवहार किया जाएगा। ये कोर्ट में उस ट्रायल को फेस करेंगे, हमारा प्रयास होगा कि हम इनको हत्या के मामले में, जो जघन्य जो हत्या का मामला होता है जिसमें सजा दिलाई जाती है, वो दिलाने का हम प्रयास करेंगे। कहीं से कोई इनके प्रति कोई रहमत या किसी तरह का इनके प्रति कोई नरमी नहीं होगी। एक ये पुलिस के लोग थे, अपनी कार्रवाई करने गए थे, इन्होंने जो किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और एक पुलिस 6 पुलिस वालों की करने के लिए हम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं हम उसको लेकर कोई डेंट नहीं उसको लेने देंगे, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। विक्रम सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं लौट रही हूँ अनुराग आपके पास। बेजा इस्तेमाल पुलिस नहीं कर सकती है, इस बात को पुलिस को और पुलिस के आला अधिकारियों को समझना होगा। विक्रम सिंह जी, आप बेजा इस्तेमाल, अगर आपके पास पूरी ताकत है तो आप उन ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ताकि एक मासूम, उसके पूरे परिवार की सोचिए, उनके पति, उनका छोटा सा मासूम बच्चा है, सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है इन पुलिस वालों ने, ये कौन सी ड्यूटी निभाने के लिए गए थे आधी रात को? परिवार खत्म हो गया चित्रा जी। और मैं शलभ मणि कहूंगा, योगी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी बर्खास्तगी हुई है, लेकिन इसको मैं ये भी कहूंगा, अंग्रेजी में एक कहावत, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड,
जिन लोगों ने आपके साथ योगी जी के साथ विश्वासघात किया है उनके साथ इतना उदार दृष्टिकोण क्यों? उनके लिए तो शलभ जी वही होनी चाहिए सजा जो कि एक आतताई एक हत्यारे की होती है, और जितनी आप कड़ाई करेंगे उतने ही मैं समझता हूं कि हमारी सत्यनिष्ठा की ऊपर जनता को विश्वास आएगा। लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं, SIT बना रहे हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार है शरद जी। अच्छे काम के लिए भी जरूरी है कि इन 6 लोगों को बर्खास्त करके NSA लगा के एक कड़ा संदेश राष्ट्र को आज दे दिया जाए, जीरो टॉलरेंस ऐसे आपराधिक तत्वों के ऊपर। बोलिए अनुराग जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। MS खान साहब, मैं आपकी ब्रेक के लिए जाना है, अनुराग की बात जल्दी से क्यों? चित्रा जी अनुराग बतौरिया, एक सेकंड प्लीज, क्योंकि सवाल पूछेंगे जल्दी से क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले इन्होंने SIT और क्या क्या गठन किया था उत्तर प्रदेश में, जब यहाँ लखनऊ विवेक तिवारी की हत्या हुई थी तो किसको सजा मिल गई? हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, वहाँ पे इंक्वायरी आपने बैठाई, उसके बिना परमिशन से आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, कौन सी सजा मिल गई? पुष्पेंद्र यादव पे आपने इंक्वायरी बैठाई, कौन सी सजा मिल गई? इसके मतलब आप उत्तर प्रदेश के अंदर में हत्याएं करते जाएंगे, इंक्वायरी पे इंक्वायरी SIT पे सटाइट बनाते जाएंगे, फिर मीडिया से भी न्यूज खत्म, मैंने दो महीने बाद सब भूल गए।